विश्व भर में आज नए साल 2023 का जश्न मनाने की तैयारियां हैं। उत्तराखंड में नए साल के जश्न मनाने के लिए देशभर से पर्यटक नैनीताल, मसूरी, औली, चोपता और अन्य पर्यटन स्थलों में पहुंच रहे हैं। नैनीताल और मसूरी में सभी होटल और टूरिस्ट लॉज भरे हुए हैं। प्रदेश में बाहर से आने वाले पर्यटकों को पुलिस ने मसूरी जाने के लिए शिमला बाईपास से यातायात को डाइवर्ट किया गया है। वहीं चमोली के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में बर्फ गिरी है। यहां बड़ी संख्या में नई साल का जश्न मनाने आए पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरों पर रौनक है। इसके अलावा चमोली के पर्यटक स्थल ग्वालदम, बेनीताल, जोशीमठ, बेदनी बुग्याल, रूपकुंड, वाण, रामनी सहित सभी पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भारी भीड़ है। जैसे बद्री विशाल का जो शीतकालीन पूजा एक पांडुकेश्वर में और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में होती है, तो नरसिंह मंदिर को एक वहाँ भी हमारा प्रोजेक्ट अभी अंडर प्रोसेस है। एक हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में जो उसका पैदल मार्ग है उसके विकास का कार्य अभी गतिमान है। साथ ही साथ जो अन्य भी क्षेत्र हैं, चाहे वह धार्मिक पर्यटन से संबंधित हों चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स से हों, तो उस पर भी लगातार यात्री आ रहे हैं। तो जो हमारा चाहे वो रोड हो गया, पानी, बिजली और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, समस्त विभागों को उसके लिए सचेत रहने के निर्देश दिए हैं और ताकि आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं अल्मोड़ा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसार देवी, रानीखेत और विंसर में नव वर्ष मनाने पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए गोल्फ ग्राउंड, चौबटिया गार्डन, रानी झील, मचखाली में पुलिस फोर्स की तैनाती की है। रानीखेत में पुलिस उपाधीक्षक टीआर वर्मा ने बताया कि क्षेत्र के पर्यटक स्थलों में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। हमारा प्रयास ये रहेगा कि पर्यटक यहां से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। संभावना हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे टूरिस्ट आएंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यहाँ लोकल में भी कोई हुड़दंग ना मचा पाए, तो हमने पॉइंट वाइज ड्यूटियां लगाई हैं और इस संबंध में आज हमने मीटिंग भी बुलाई थी। तो इसमें व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और होटल एसोसिएशन और भी गणमान्य लोग आए थे, तो सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमने जो पॉइंटों पर ड्यूटी लगाई है, इधर मचखाली है, हमारे कस्बे में रानीखेत में है और आउटर पे जो चेकिंग हमारी चलेगी उसके संबंध में हमने बताया है उनको और उनके सुझाव मांगेगी इससे अच्छा और बेहतर क्या कर सकते हैं।